नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पूरे दिन बिहार में जबरदस्त सियासी हलचलें हुई हैं। भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया है। भाजपा ने नीतीश कुमार और साथ ही साथ विपक्ष के सभी दलों को एहसास कराया है कि भाजपा अब बिहार में अपने आधार पर, अपने दम पर, अपने हिसाब से अपनी रणनीतियों को लाने वाली है। क्या होता है जब भाजपा यह करती है? यूजुअली उस सरकार में, उस राज्य में बिहार अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है और बिना किसी पार्टी पर डिपेंड हुए, या अगर डिपेंड होना भी पड़े तो बड़ी पार्टी खुद बनकर सरकार बनाने की कोशिश करती है। जेपी नड्डा का स्वागत हुआ, एयरपोर्ट से लेकर पटना यूनिवर्सिटी और जहां जहां वो गए, हर जगह पर उनके स्वागत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था कर रखा था। पटना में पूरी तरीके से पाट दिया गया था पोस्टरों से, जेपी नड्डा के नाम पर तोरण द्वार और जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी, इससे लग रहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को एहसास कराना चाहती है और साथ साथ विपक्ष के नेताओं को बताना चाहती है कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो चुकी है, उसे कार्यकर्ताओं का बेस इतना हो चुका है कि उसे 2015 वाली भाजपा समझना कोई भूल ना करे बिहार में। तो एक तरफ जहां भाजपा की राजनीति हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी राजनीति बिहार में चल रही है। आरसीपी सिंह जहानाबाद होते हुए कुछ दिनों पहले नालंदा पहुंचे थे, फिर अन्य जगहों पर पहुंचे थे, मुंगेर जाने की तैयारी थी। इन सब के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने एहसास कराया भाजपा को भी और नीतीश कुमार को भी कि आरसीपी सिंह की राजनीति इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। आरसीपी सिंह के शक्ति प्रदर्शन के दौरान कुछ चीज़ें नोट करने वाली थी, जिन्हें नोट करके हमने आपको बताया भी था। एक सबसे बड़ी बात जो आरसीपी सिंह के स्वागत कार्यक्रम के दौरान हुई, ये हुई कि आरसीपी सिंह को बिहार का अगला मुख्यमंत्री उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों ने घोषित कर दिया, नारे भी लगाए। इससे टारगेट कहाँ किया गया? देखिए, एक तरफ जहां भाजपा को एहसास कराया गया कि एकनाथ शिंदे ही नहीं, वैसे कई नेता हैं कई राज्यों में जो भाजपा की तरफ गेम मोड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू को एहसास कराया गया, नीतीश कुमार को ये बताया गया कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप राज्यसभा नहीं भेजकर पार्टी में कद को छोटा करके आरसीपी सिंह की राजनीति समाप्त कर देंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। आरसीपी सिंह की वजह से जदयू काफ़ी मजबूत हुई है और ये दावा आरसीपी सिंह उनके लोग लगातार कर रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा पर उन्होंने दावा ठोका, वहीं उनकी कुर्सी पर भी उनके कार्यकर्ता और समर्थकों ने दावा ठोक दिया है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बीच रिश्ते सुधरेंगे कि नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। आने वाले समय में हम लगातार इस बात पर जोर रखेंगे कि आरसीपी सिंह कौन सा नया राजनीतिक दाव खेल रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के दाव पर क्या जदयू रिएक्ट नहीं करेगी? देखिए, जब जब आरसीपी सिंह या कोई भी नेता जो जदयू में नीतीश कुमार के सामने बागी तेवर जिसने दिखाए हैं, या नीतीश कुमार के साथ नाफरमानी की है, या नीतीश कुमार को बाईपास करने की कोशिश की है, उसकी हालत जॉर्ज फर्नांडिस, कालांतर में हमने देखा शरद यादव और उसके बाद कई नेता आते गए और जाते गए, इस तरीके की हुई है। बीच में आपने देखा कि कई लोग जदयू से भाजपा, भाजपा से जदयू भी गए, जैसे कि शिवानंद तिवारी पहुंचे थे, बाद में आपने देखा श्याम रजक आए थे, ये सब वापस बैक टू पवेलियन राजन चले गए। यानी नीतीश कुमार के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार जिस तरीके से स्वयंभू हैं, उनकी पार्टी के नेता कल ही संजय सिंह, देखिए किस संजय झा माफ कीजिए किस तरीके से समझा रहे थे कल, ये बात बोलते हुए संजय झा को शर्म भी नहीं आ रही थी कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में, एक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता होते हुए ये कह रहे हैं वो कि उनकी पार्टी में केवल एक नेता है, और इस बात को साबित करते हुए वो काफी प्रफुल्लित भी हो रहे थे और साथ ही साथ ये भी अंदर ही अंदर एहसास कर रहे थे कि अब नीतीश जी बहुत खुश होंगे मेरे इन बयानों पर। खैर, ये विश्लेषण की बात है, बाद में पंचनामा में आज आपको समझाएंगे। मुख्य मुद्दा क्या है इस खबर में, आपको इतना समय मैंने क्यों लिया, ये समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सब इसलिए पड़ी क्योंकि जहां एक्शन होता है वहीं रिएक्शन होता है। आरसीपी सिंह ने जो कुछ किया उस पर अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। नालंदा नीतीश कुमार का भी गढ़ है, नालंदा पर अब तक नीतीश कुमार लगी से घास काटते रहे हैं। आरसीपी सिंह के माध्यम से नालंदा पर उन्होंने अपनी पकड़ बनाई रखी थी, लेकिन अब जब चौकीदार फरार है या चौकीदार की छुट्टी कर दी गई है, तो पूरे बिल्डिंग की देखरेख, नालंदा की देखरेख अब खुद आरसीपी सिंह से अलग हटकर नीतीश कुमार और ललन सिंह को करनी होगी। या तो नीतीश कुमार को खुद नालंदा जाना होगा, जैसा कि राज्यसभा नहीं भेजने से पहले लगातार बार बार वो जा रहे थे, या ललन सिंह या किसी अन्य नेता के माध्यम से अब नालंदा की राजनीति को उन्हें पकड़ना होगा। देखिए, नीतीश के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। श्रवण कुमार मंत्री वहीं से आते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से हैं, उन पर दाव खेला जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार अब अगला आरसीपी बनाने के फेरा में नहीं है। वो किसी भी नेता को वहां स्वयंभू होने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में कल नालंदा में एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। ललन सिंह को ये जिम्मेवारी दी गई है
कि वो आरसीपी सिंह द्वारा प्रस्तुत जो चुनौती है उसको सामना करें और मुंहतोड़ जवाब दें। क्या कुछ होने वाला है पहले इस तस्वीर को जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए इस तस्वीर के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है लोग। देखिए, जनता दल यू का कार्यक्रम है, नीतीश कुमार की तस्वीर है, नीतीश कुमार के बगल में आप देख सकते हैं मंत्री श्रवण कुमार है, नालंदा के जिलाध्यक्ष हैं, और एक एक करके आप देखिए नालंदा के जितने भी बड़े नेता जदयू के हैं उन सभी की तस्वीर लगी हुई है। अंत में आप देख सकते हैं कि कोरम पूरा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जो है उनका तस्वीर लगा दिया गया है, उमेश कुशवाहा का। लेकिन एक बड़ी तस्वीर और लगी है, वो तस्वीर है ललन सिंह की। देखिए, इस पोस्टर के माध्यम से दो मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है। जो छोटा वाला मैसेज है वो पहले जान लीजिए, नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर, बड़ा चाल ढाल का तस्वीर ये, और बाकी सारे नेताओं की तस्वीर छोटी, ये एहसास कराया जा रहा है कि नीतीश से बड़ा नेता इस पार्टी में नहीं है। वहीं ललन सिंह द्वारा इस कार्यक्रम में जो कुछ लिखा गया है, बीच में नीरज कुमार भी ध्यान दीजिएगा, जो लिखा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, कार्यकर्ता सम्मान समारोह दिनांक 31 जुलाई, स्थान माँ शारदे विद्या मंदिर रहुई नालंदा। नीचे सभी लोगों का नाम दिया हुआ है, जो विशेष अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथि उनमें है श्रवण कुमार, कौशलेंद्र कुमार सांसद जो हैं, और हरिनाथ सिंह पूर्व मंत्री। नीचे आप देख सकते हैं कि जो पूर्व विधायक हैं और जो प्रखंड जो है उसकी तस्वीरें हैं उनके बारे में डिटेल दिया गया है। उसके बीच में अगर आप आते हैं तो नीरज कुमार, श्रीमती रीना यादव, जितेंद्र कुमार, श्री कृष्ण मुरारी शरण, प्रेम मुखिया, ये सभी का नाम दिया गया है। विशिष्ट अतिथियों में कौशलेंद्र कौशर, श्री चंद्रेश्वर कुमार, श्री राजू यादव, इन लोगों का नाम दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नालंदा में ऐसा क्या अचीव कर लिया जदयू ने जिसकी वजह से वहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जरूरी पड़ गया? और अगर नालंदा विशेष में कोई चुनाव हुआ हो या कोई बड़ी व्यवस्था की गई हो पार्टी की तरफ से या बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ से जुड़े हों तो सम्मान करने की बात बनती भी है, सम्मान क्यों किया जा रहा है? देखिए, दरअसल सम्मान नहीं किया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, एहसास कराया जा आरसीपी सिंह को कि आपने जो नालंदा पर दावा ठोका है ये फर्जी है, आपके पास तो कागजे नहीं है। कागज किसके पास है? कागज तो नीतीश कुमार के पास है, और वो कागज नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दे दिया है, और ये भी कह दिया है कि जो दावा ठोका गया है बिहार की कुर्सी और नालंदा दोनों पर, तो पहले तो नालंदा को हथियाइए, पहले जमीन से पहले जमीन का रास्ता निकाला जाता है, और नालंदा की जो जमीन है उसका रास्ता ललन सिंह को निकालने के लिए दिया गया है कि जाइए 14 फीट का रास्ता चारों तरफ से निकालिए और आसपास भी आरसीपी सिंह को भटकने मत दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता जहानाबाद से लेकर नालंदा के बीच में आरसीपी सिंह के साथ थे उन पर कल, आपको पता है पहले ही ये दावा किया चुका है कई लोगों द्वारा कि उनको पैसे पर बुलाया गया था। अब ये दावा किया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के हैं ही नहीं वो आरसीपी सिंह के साथ हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं, इसीलिए उनका सम्मान किया जाएगा कि वो आरसीपी सिंह के बहकावे में नहीं आए। कायदे से तो ये बातें सारी हैं, लेकिन अनकायदे वाली बात भी जान लीजिए। देखिए, आरसीपी सिंह ने नाक में दम तो कर दिया है, आरसीपी सिंह जानते हैं जिस तरीके से रावण के भाई जानते थे कि रावण की जो ताकत है वो कहाँ है, उसी जगह पर है जहां राम को उन्होंने बताई थी। इसी तरीके से आरसीपी सिंह जानते हैं कि नीतीश को तंग करने के लिए सबसे पहले कहां तलवार चलानी है, कहां तीर मारनी है, और यही तीर जो है वो जगह पर लग गया है, इसलिए स्थान विशेष पर दर्द हो रहा है, और इसी वजह से ललन सिंह द्वारा कल शक्ति प्रदर्शन करके नीतीश कुमार की जो ताकत अब तक, नीतीश कुमार की जो चुनौतियां अब तक संभालते आए आरसीपी सिंह, उनकी जगह पर ललन सिंह संभालने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा चुनौती कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के लिए है जो कि पहले से ही कमजोर है, शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ रही है, कम कार्यकर्ताओं का झुंड लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में उनके सामने ललन सिंह ने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है कि अपनी कुर्सी भी बचाइए, अपनी ताकत भी दिखाइए, और साथ साथ नालंदा से, या तो अगर ये सब नहीं कर पाइएगा तो हाथ से नालंदा गवाइए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।